नमस्कार, आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक अनुसार आप सभी एक ऐसे उपाय, एक ऐसे नियत मंत्र को जान पाएंगे जिसके फलस्वरूप या जिसका उपयोग करने से, जिसको साधने से आप श्री हनुमान जी के दर्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब भला कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री हनुमान जी के दर्शन नहीं करना चाहेगा, तो बने रहिएगा इस क्रमांक में। आज आपको एक ऐसा ही अद्भुत उपाय बताने वाले हैं, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। देखिए, जीवन में बहुत से लोग ये चाहते हैं कि श्री हनुमान जी की कृपा, श्री राम जी की कृपा उनके जीवन में आए और उनके जीवन का उद्धार हो। इसके लिए लोग बहुत से प्रयास करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई भजन कीर्तन करते हैं और भी आध्यात्मिक गतिविधियों के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए निरंतर मनुष्य प्रयास करते रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान जी एक ऐसे रुद्र अवतार हैं जिनको प्रसन्न करना बहुत सरल कार्य है, और यदि आप सच्चे हृदय से यह उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर श्री हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में अवश्य बरसेगी। इसके अलावा बहुत से लोग बहुत जटिल जटिल कार्य करते हैं लेकिन फिर भी उनको कामयाबी हासिल नहीं मिलती, तो आज के इस क्रमांक में आपको इसी के विषय में जानकारी मिलने वाली है। देखिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ तो आप सभी ने अवश्य ही किया होगा। श्री हनुमान चालीसा के विषय में यदि आप जानते हैं तो आप जानते होंगे कि श्री हनुमान जी का श्री हनुमान चालीसा में बहुत ही गुणगान किया गया है। श्री हनुमान जी की के चरित्र के ऊपर, श्री हनुमान जी के पूरे जीवन पर श्री हनुमान चालीसा का गान किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय है वह श्री हनुमान चालीसा में ही छिपा हुआ है। अब आप कहेंगे वे कैसे, तो आप श्री हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि रामचरित्र सुनी वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात श्री हनुमान जी एक ऐसे श्री राम जी के भक्त हैं जो सदैव श्री राम जी की कथाएं, श्री राम जी के चरित को सुनने रसिक हैं। यानी कि श्री रामचरित मानस का पाठ जहां पर भी हो रहा होगा, श्री राम जी की कथा का, श्री राम जी के भजनों का जहां पर भी गायन हो रहा होगा, वहां पर श्री हनुमान जी की उपस्थिति आपको स्वतः ही मिलेगी। यहां पर आपको श्री हनुमान जी को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं है, बिना बुलाए ही आ जाएंगे। जी हाँ, ये इतना सरल है। देखिए, और वक्त तो आप यही प्रयास करते रहते होंगे कि श्री हनुमान जी को कैसे बुलाएं, कौन सा उपाय करें, क्या करना पड़ेगा, कौन सा मंत्र पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब आप श्री रामचरित मानस का पाठ कर रहे हो या करवा रहे हो, वहां पर आपको बुलाने की आवश्यकता ही नहीं है। श्री हनुमान जी स्वतः ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऐसा श्री हनुमान चालीसा में वर्णन है कि जहां पर भी राम जी के चरित्र का गुणगान हो रहा होगा, श्री हनुमान जी रसिक हैं श्री राम कथाओं के, श्री राम जी के भजन के, श्री राम जी के चरित्र का जहां पर भी पाठ हो रहा होगा वहां पर श्री हनुमान जी स्वतः ही पहुंच जाएंगे। अब देखिए, ये इतना सरल है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, इसके लिए आपको कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो जहां पर भी श्री रामायण जी का पाठ होता है वहां पर और जनों में या और जितनी भी भीड़ होती है उसमें आपको श्री हनुमान जी अवश्य ही मौजूद मिलेंगे। लेकिन बात यहां पर आती है कि आप उनको पहचानेंगे कैसे। अब यह बात भी श्री रामायण जी में और अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि जहां पर भी कथा चल रही होगी वहां पर जो भी सबसे पहले पहुंचेंगे और जो भी कथा के सबसे अंत में जाएंगे वे श्री हनुमान जी होंगे। यहां पर समझने वाली बात यह है कि अब आप कैसे बुलाएं, अब आपको उपाय में क्या करना है। उपाय सिर्फ इतना सा है कि अपने घर पर, जहां पर भी आपका निवास स्थान है, वहां पर श्री राम जी की कथाओं का जितना ज्यादा हो सके, श्री राम जी के भजनों का जितना ज्यादा हो सके उतना गायन, पाठन, पठन होना प्रारंभ करवा दीजिए। आप पाएंगे कि जीवन में बहुत सी अद्भुत कृपाएं आपके प्रवेश करने लगेंगी। ये इतना ही सरल हो जाएगा। अब आप देखिए, ये आप स्वयं भी कर सकते हैं जितना भी समय आपको मिलता है। देखिए, एक बात आप अवश्य शिकायत करते हैं कि जीवन में समय नहीं मिल पाता, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में इतना दबाव रहता है
मनुष्यों पर कि कार्य क्षेत्र भी संभालना है, घर गृहस्थी भी संभालनी है, सगे संबंधी भी देखने हैं और भी अन्य कार्य हैं उन्हें भी देखना है, जिसमें बराबर दिमागी कसरत होती है। लेकिन फिर भी ईश्वर के लिए समय निकालने के यदि आप इच्छुक हैं तो आप श्री रामायण जी का जितना भी हो सके सहृदय प्रतिदिन पाठ करें या करवाएं, घर में इसका उच्चारण होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में, वह सारी नकारात्मक ऊर्जा छूमंतर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश स्वतः ही होने लगेगा। क्योंकि श्री राम कथा के पढ़ने से, उनके पाठन से कितने लाभ हैं, देखिए, जहां पर श्री राम जी होंगे वहां पर स्वयं सीता जी विराजमान होंगी, लक्ष्मण जी विराजमान होंगे और हनुमान जी तो आएंगे ही आएंगे, उसके लिए आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वतः ही आ जाएंगे। तो जिस घर में प्रतिदिन श्री राम जी की कथाओं का पाठ होता है, श्री राम जी के भजनों का गायन होता है, भजन कीर्तन आदि होते हैं, और मैं बल्कि यूं कहूं कि जहां पर भी श्री राम जी के नाम का उच्चारण हो रहा होगा वह स्थान पवित्र हो जाएगा, वह स्थान ऐसा दिव्य हो जाएगा कि वहां पर श्री हनुमान जी के अलावा और भी बहुत से दिव्य शक्तियां प्रवेश करेंगी। क्योंकि श्री राम जी का नाम है ही इतना उत्तम, इतना अनमोल है श्री राम जी का नाम। और आप सभी जानते हैं, मैंने पिछली कुछ विशेषांकों में आपको यह भी बताया है कि श्री राम जी का नाम श्री राम जी से भी बहुत बहुत बड़ा है। जहां पर श्री राम जी के नाम को लेने से ही जब पत्थर तर गए, पत्थर पानी पर तैर गए और पत्थरों पर एक ऐसा अद्भुत पुल बनाया गया जिस पर चढ़कर श्री हनुमान जी और श्री राम जी की सेना ने लंका में प्रवेश किया था, तो आप जान सकते हैं श्री रामायण जी में बहुत ही गहराई से वर्णित है ये बात। तो आप समझ सकते हैं, छोटा सा उदाहरण इसीलिए मैंने प्रस्तुत किया ताकि आपको यह पता चल सके कि आप श्री राम जी के नाम की महिमा को कैसे अपने जीवन में प्रवेश कराकर अपने जीवन का पूर्ण उद्धार कर सकते हैं। और यह बात भी निश्चित है कि जिस घर में जिस मुख से प्रभु श्री राम जी का नाम लिया जाएगा वह स्थान, वह मुख, वह जीवन पवित्र हो जाएगा। और ऐसी पवित्रता जब जीवन में आ जाएगी तो कुछ भी चीज प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, सब कुछ संभव हो जाएगा और इतने देवी देवताओं की कृपा आपके घर पर, आपके जीवन में होनी प्रारंभ हो जाएगी। और जब ये सृष्टि और ये सृष्टि के जितने भी देव हैं और देवता लोग हैं यदि आपके साथ हो जाएंगे तो आप सोचिए कि आपके जीवन में क्या, फिर कौन सी क्षीणता रह जाएगी, कौन सी त्रुटि रह जाएगी, जीवन का परम उद्धार हो जाएगा। तो इतनी शक्ति है प्रभु श्री राम जी के नाम में कि वे स्वतः ही सबको आकर्षित कर लेते हैं। और वह सब चीज आकर्षित करने का आशय यहाँ पर यह भी है कि अगर आपके जीवन में कोई बुराई होगी तो प्रभु श्री राम जी के नाम को लेने से वह सारी बुराई प्रभु श्री राम जी के नाम में ही विलीन हो जाएगी और केवल रह जाएगा तो आपके जीवन में केवल पवित्र अनुभव, दिव्य अनुभव, जो आपके जीवन को सदैव निश्चल कर देगा और जीवन में आने वाले सभी कष्ट बहुत बहुत दूर हो जाएंगे, कोसों दूर हो जाएंगे। कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपको जीवन में कभी उलझा नहीं पाएगा। जीवन में जितने भी असमंजस आते हैं, जितनी भी परेशानी आती है, वह स्वतः ही आपसे कोसों दूर हो जाएगी। अब आप देखिए, इतने लाभ हैं प्रभु श्री राम जी के नाम के। और जब प्रभु श्री राम जी का नाम आपके मुख से निकलना प्रारंभ हो जाता है तो स्वतः ही श्री हनुमान जी आपके रक्षक बनकर आपके जीवन में सदैव आपके साथ चलते हैं। तो इसीलिए कोई भी दुविधा, कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी टिक ही नहीं सकती है। जिस आप सोचिए, जिसके साथ सदैव श्री हनुमान जी चल रहे हो, उसके जीवन में भला कोई कैसे ऐसे कष्ट प्रवेशों को डाल सकता है कि उसका जीवन मुश्किल हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए सदैव अपने घर में, अपने जीवन में प्रभु श्री राम जी के नाम का अनुसरण करिए और देखिए जीवन कितना निर्मल हो जाता है, कितना धन्य हो जाता है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के इस क्रमांक से मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्रभु श्री राम जी द्वारा, प्रभु श्री महाराज जी द्वारा आपके जीवन में सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, सन्मति प्राप्त हो, आपका जीवन आस्थावान हो जाए और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।